अब केरल में हिंदुओं के घर को चिन्हित करके मारा जा रहा है हिंदुओं को, और केरल को भी हिंदू विहीन किया जा रहा है कश्मीर वाली स्थिति में। अगर हम कुछ करते हैं तो हम दंगाई हैं। चल झूठा, देश और धर्म की बात करते हैं, हम धर्म दंगाई तो मान रहे हैं कि आपके लोग थे और आपने ये सब करवाया। चलिए ठीक है पिंकी जी, पहले तो आप ये मान लिया कि हाँ वहाँ ये सब हो रहा है, तो इसके बदले में ये सब आपने करवाई, नारेबाजी करवाई और आपके लोग थे, ये दंगाई ठीक? तो ये मानुष निकला, ये आप मान रहे हैं? मैं मान, जो भी धर्म हित की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा वो हमारा होगा। ये तो टट्टी है, ये धर्म का ढकोसला, आप लोग फर्जी लोग हैं, ये भगवा लगा कर ना आप लोग भगवा को बदनाम करते हैं, ये धर्म ये छोड़ दीजिए आप लोग। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये ना कोई, जिस तरह की नारेबाजी हो रही थी ना, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है चौधरी जी, वो दंगाई लोग थे, वो दंगाई लोग। आपने नारेबाजी सुनी? क्या नारेबाजी थी उसमें, वो तो हम सुना भी नहीं सकते, और मैं बोलूंगा बोलिएगा भी नहीं। गलत है, चुप कर माता चौध। ये ऐसी कोई नारेबाजी नहीं थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में हमारा इतना बड़ा हाथ है। क्या नारेबाजी थी? सुनी थी आपने नारेबाजी? क्या थी वो दंगाई, सांप्रदायिक, घोर सांप्रदायिक नारे एक समुदाय के खिलाफ, मारने काटने वाले, वो आप कह रहे हैं सही थे, कोई दिक्कत नहीं थी? नंगा करके नहला रहा आपको, इन बच्चों की बातों में बच्चा ना कहिए, ये दंगाई है। आपकी नजर में बच्चे हैं, ये दंगाई है चौधरी जी, ये मुझे समझ में आ गया। दंगाइयों के नाम पर आप ही के बच्चे हैं चौधरी जी, ये आप ही के बच्चे, अब आप मान रहे हैं, अब आप आ गए धीरे धीरे लाइन पर, ये आप ही के बच्चे, जो भी नहीं, आपने कहा ना आपके बच्चे, गजब बेइज्जती है। जहरीला जंतर, भड़काऊ मंतर, जी हाँ यही हुआ है जंतर मंतर पर परसों सुबह। लेकिन मैं पिंकी जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, आप थे उस दिन प्रोटेस्ट में, आपके सामने हुआ था सब कुछ? हाँ, हम लोग थे, लेकिन हम लोग 10 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था और 1 बजे समापन हुआ था, 1:30 बजे हम वहां से निकल गए थे, और उसके बाद कुछ हुआ था ये हमें जानकारी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो को तोड़ मरोड़ करके, इसको पता नहीं किस तरीके से इन्होंने प्लान करके और ये जो है वीडियो चलाई है। अरे कहना क्या चाहते हो? इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, ये बालक है, इनकी कोई गलती कौन नहीं। कौन बालक है? बालक किसको कह रहे हैं? जांच होनी चाहिए। बालक किसको कह रहे हैं? सही पकड़े हैं। जो आदमी दिख रहा है जहर उगलता हुआ, जो मैं तो वो नारा नहीं पूरा दिखा सकता, ना मैं अभी बोल सकता, आप जानते हैं क्या था, वो सब जानते हैं, सुना सबने है, तो वो नारा जो आदमी साफ साफ लगाता दिख रहा है, उसको नहीं पकड़ेगी पुलिस? क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये तो ओवैसी की प्लानिंग है मेरे हिसाब से, मैं समझ रहा हूँ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पहले तो अभी इस मुद्दे पर रहे ना, आपने कहा बच्चे हैं, बालक हैं, मुसलमान हैं तो इसलिए करेंगे ना, ना, हम लोग हिंदू हैं तो निर्दोष भी जेल जाएंगे। मैं भी हिंदू हूँ पिंकी चौधरी, और आपसे मुझे लगता है ज्यादा बेहतर हिंदू हूँ, तो हिंदू कार्ड मत खेलिए यहाँ पे। तेरा बालक है बच्चे, बालक है बच्चे हैं तो गले काटने की बात करेंगे? बालक है बच्चे हैं गला काटने, तो काटने की बात करेंगे? नहीं नहीं, गला काटने की किसी ने बात नहीं करी। सड़ी के अब तो सर बोल दे भोसड़ी के। क्या था नारा कह रहे हैं? क्या था नारा? ये नारा क्या था बताइए, हिम्मत है तो बोलिए टीवी पे भी, और बोलिए कि आपके आपके लड़कों ने लगवाया नारा। नहीं नहीं, हमारे देखिए सुनिए, वहां जो भी आए थे हमारे आह्वान पर आए थे, हम लोग उसे डिनाई नहीं कर सकते, हम लोग बिल्कुल कहेंगे जो भी आए थे सभी हमारे कार्यकर्ता थे, सभी हम लोगों के बुलावे पर आए थे वहां पर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में।